हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय माता दी। जय माता दी ब्लॉक में सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। और यहाँ पे देखिए, कल जो मैं ना आपने मेरे ब्लॉक में देखा होगा, मैंने लहंगा सिला था तो उसमें जो कपड़ा बचा हुआ था तो उसमें से मैं माता रानी की ड्रेस सिल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ही सीधी 5 इंच की लेंथ, इसकी जो चौड़ाई है 5 इंच है और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 15 इंच है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक रेड कलर की पट्टी काट के और वो अटैच कर रही हूँ। सेम वही उसी तरीके से कर रही हूँ जिस तरीके से मैं कल लहंगा सिली थी, वो बड़ी साइज में और ये छोटी साइज में। और ये ऊपर की मैं बेल्ट बना रही हूँ, इसकी बेल्ट बना के तैयार कर रही हूँ। और माता रानी की जो जितनी साइज है, हाँ, लंबाई चौड़ाई उस हिसाब से बना रही हूँ मैं। और मैं आपको पहना के भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं बेल्ट को अटैच कर रही हूँ, ये देखिए। वो थोड़ी बहुत क्या है, इस रे जो रेड वाला कपड़ा है इसमें कान ज़्यादा थी, मतलब तिरछा था ये थोड़ा सी, तो उसमें थोड़ी हो रही थी। और यहाँ पे देखिए, ये सिल के तैयार है। और यहाँ पे मैं उरेब में काटी हूँ ये वाली पट्टी और उरेब में अटैच करी हूँ। और ऊपर से जोड़ने के बाद ऊपर सिलाई मार रही हूँ ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग से दिखे। और ये देखिए, जुड़ के तैयार है। यहाँ पे जुड़ के तैयार है ये। और ये उरेब में है तो ये नीचे की जो पट्टी होती है मैं वो बनाऊंगी। और देखिए, मैं आपको जोड़ना बता रही हूँ कि उरेब में कैसे जोड़ते हैं। और यहाँ पे सीधी साइड पे मैं इसको सिलाई करूँगी, लहंगे की सीधी साइड पे रख के इसको मैं जोड़ लूँगी। तो इसको मैं डबल फोल्ड करके फिर जोड़ रही हूँ। और जो नीचे वाली पट्टी है वो उरेब में ही सही रहती है, उसमें चुनगट वगैरह नहीं आते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं पूरे में अटैच कर लूंगी उसको अच्छे से। और इक्वल सिलाई करनी है इसमें, बिल्कुल बराबर, क्योंकि फिर पट्टी छोटी बड़ी हो जाती है। तो मैं एकदम बराबर सिलाई कर रही हूँ और इसमें बिल्कुल भी चुनगट नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं हो, सिलाई नहीं हो रही है एकदम। जब पट्टी काटते हैं उसको बिल्कुल बराबर काटते हैं तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होती, सिलने में बिल्कुल भी खराब नहीं होती। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो बच गया उसको मैं कट कर लूँगी और यहाँ पे इसको मैं फोल्ड कर दूँगी यहाँ से। ये देखिए, और ऊपर से मैं सिलाई लगा दूँगी और यहाँ पे पक्की सिलाई कर दूँगी। और अब देखिए, ये सीधी साइड से मैं इसको नीचे मोड़ के और ऊपर से सिलाई कर दूंगी। ये देखिए, ये फर्स्ट इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हाथ से ही मोड़ देंगे इस साइड। वैसे प्रेस से अच्छे से हो जाती है लेकिन मैं हाथ से ही इसको इधर घुमा के सही कर रही हूँ। ये देखिए, और ये एकदम फिनिशिंग से हो गया। और अब मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगाती तो दोनों काम हो जाएंगे, सिलाई भी लग जाएगी और ये जो इस पे गोटा लगाऊंगी वो गोटा भी लग के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको अंदर से ऐसे दबाऊंगी तो ये फोल्ड भी हो जाएगा और मैं इसको ऊपर सिलाई कर लूँगी। और मेरे को माता रानी की ड्रेस सिलनी थी तो अभी मैं आपको वीडियो में यही दिखा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं इसको डबल फोल्ड में ही अटैच कर रही हूँ गोटे को भी। इसकी वैसे चौड़ाई ज़्यादा है तो मैं इसको डबल फोल्ड में ही कर रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा
बड़ी साइज में अच्छा नहीं लग रहा था, ये इस तरीके से सही लग रहा था, तो मैं इसके ऊपर अटैच कर लूंगी। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर लूंगी, और इसको भी मैं नीचे की साइड फोल्ड कर लूंगी। और ये देखिए लग के तैयार है, और इस पे थोड़ा सी हाथ से प्रेस कर देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से एकदम फिनिशिंग से पट्टी लग के तैयार हुई है नीचे की। और जो कलर का कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है इस पे। और यहाँ पे मैं ऊपर की जो बेल्ट की जगह है वहाँ पे भी ये लगा लूँगी गोटा, तो इसमें और भी अच्छा लुक आ जाएगा। और इसको डबल फोल्ड करके लगा रही हूँ मैं यहाँ पे भी। और यहाँ से भी मैं नीचे दबा दूंगी और पक्की सिलाई कर दूंगी। और ये सिल के तैयार है। और ये देखिए ऊपर का जो बेल्ट है कितनी अच्छी तरीके से बन के तैयार है। और ये बना रही हूँ मैं चुन्नी ओढ़ने की, तो इसको मैं दोनों तरफ से फोल्ड कर लूँगी, दोनों कोणों को ये फोल्ड कर दी मैं चारों तरफ से। और यहाँ पे ये डिजाइन बनी हुई है तो मेरे को ज़रूरत नहीं है इसमें फोल्ड करने की। और यहाँ पे जो मोती आते हैं उनको मैं हटा दी यहाँ पे, क्योंकि सुई सिलाई मशीन में आ रहे थे ये सिलाई में, तो सुई टूटने का डर रहता है, तो मैं पहले ही उसको हटा दी मोतियों को। और यहाँ पे लगा लूँगी मैं लेस। और ये माता रानी की ओढ़नी को तैयार कर दूंगी मैं चारों तरफ लेस लगा के। और यहाँ पे देखिए कोना कोना मोड़ के फिर लगाएंगे इसको, तो अच्छे से फिनिशिंग आएगी। और ये देखिए यहाँ से थोड़ा से अंदर मोड़ देंगे ऊपर से, तो ये इधर की साइड मुड़ जाएगा और अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाएगी। और यहाँ पे गोटा लग के तैयार है, ये देखिए कितनी प्यारी ओढ़नी बन के तैयार हुई है माता रानी की। और ये वाली ड्रेस आप शिव जी पार्वती जी के चढ़ाते हो जो मंदिर में, तो इस तरीके से बना सकते हो। वैसे मैं माता रानी की मैं आपको पहना के दिखाऊंगी घर पे ही, मेरे मंदिर बना हुआ तो आपने देखा होगा वीडियो में। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे भी मोती लगे हुए हैं बहुत सारे, तो पीछे की साइड भी मैं इसको अच्छे से मोड़ के ये वाला गोटा लगा दूंगी। और यहाँ पे गोटा लग के तैयार है पीछे की तरफ, देखिए कितनी अच्छी ओढ़नी तैयार हो गई माता रानी के लिए, बहुत ही अच्छी। और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखिए तैयार हो गया लहंगा ओढ़नी दोनों, और ये चारों तरफ लेस लगा दी मैं। और इस पे एम्ब्रॉयडरी जो हो रखी है बहुत ही प्यारी लग रही है, देखिए कितना अच्छा वर्क हो रखा है।
और अभी गर्मी आएगी तो मैं कॉटन का लहंगा सिली हूँ, तो उसको मैं थोड़ा हेवी लुक दे दी इसमें, ये गोटा लगा के और अलग से रेड कलर की पट्टी लगा के, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और प्लीज आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी ड्रेस। और यहाँ पे मैं नाड़ा डालने के लिए सिल दूंगी रेड कलर का, और इस पे ग्रीन वाला जो टुकड़ा मेरे पास इतना ही बचा था तो मैं साइड में लगा दूंगी, तो ये झुमके टाइप में लुक आएगा इसका। तो देखिए इस तरीके से इसको लगाना, उल्टी साइड से लगाते हैं इसको। और इसको उल्टी साइड से सिलाई करेंगे और फिर सीधा कर देंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा ये। ऐसे कपड़े को मैं कट कर दूंगी। और यहाँ से भी मैं कट कर दूंगी दोनों तरफ से। और ये देखिए नाड़ा बन के तैयार है। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और जरूर करें। यहाँ पर ड्रेस बन के तैयार है। सभी को जय माता दी एंड बाय बाय।